हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो ग्लाइडर। फ्रेंड्स, अगर आप भी Redmi 5A फोन फ्लैश सेल में खरीदना चाहते हैं जो कि Flipkart पर 8 फरवरी को दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। सो गाइस, इसमें Redmi ने एक ऐसी कंडीशन रखी है कि जो फर्स्ट 5 मिलियन बायर्स होंगे उन्हीं को ये सेल फोन 5000 मिलेगा और उसके बाद इसकी प्राइस रेगुलरली 6000 हो जाएगी, क्योंकि Redmi का सेकंड सेल है, 5A का सेकंड सेल है, तो हो सकता है कि इसी बार 5 मिलियन बायर्स कंप्लीट हो जाए। और सो गाइस, अगर आप इस सेल फोन को 5000 में खरीदना चाहते तो आपको इसी सेल में आपको जेन्युइनली ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट सेल आएगा नहीं आएगा, अगर उनका टारगेट पूरा होता है तो शायद नेक्स्ट सेल नहीं आएगा और आपको फिर से 6000 में सेम यूनिट आपको परचेस करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप इसे परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट से, तो इसके लिए आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सेल स्टार्ट होगा बहुत सारे लोग इसे कम प्राइस में खरीदने के लिए लाइन में लगे होंगे। सो गाइस, आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से परचेस कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह के ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके लिए हमेशा लाते रहूँगा। सो गाइस, इनिशियली हम यहाँ पे क्रोम के वेब स्टोर में जाना है। वेब स्टोर में जाने के बाद उसी जैसे आप ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको सर्च बार दिखेगा, वहाँ पे हमें प्राइस ट्रैकर सर्च करना है। प्राइस ट्रैकर सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होगी। इसमें जो सेकंड नंबर का आपको दिख रहा होगा, इसी की हमें ज़रूरत है, यही प्राइस टैग हमें चाहिए, यही एक्सटेंशन हमें चाहिए। सो गाइस, इसमें रेटेड लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे इनिशियली पहले ही ऐड करके रख दिया है, बट अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम से करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम जैसा ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, वैसे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन वहाँ पे आपको शो करेगा, तो आपको सिंपली इसे ऐड टू क्रोम करना है और वो ऑटोमेटिकली आपके क्रोम के ऐप स्टोर में ऑटोमेटिकली आपको ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर गाइस, उसको ऐड होने के बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में एक आपको सिंबल दिख रहा होगा कार्ड का, तो यही गाइस इसका सिंबल है, क्योंकि ये इंस्टॉल हो चुका है करके, तो इसी की हमें ज़रूरत है। तो गाइस, आइए चलते हैं, ये विंडो क्लोज करने के बाद सीधे चलते हैं फ्लिपकार्ट की साइट पर। फ्लिपकार्ट की साइट ओपन सुबह इस वेबसाइट में होने के बाद आप फिर से उसी आइकॉन पर क्लिक कीजिए, प्राइस ट्रैकर पर जो आपने इंस्टॉल किया था, आपको इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऑटो चेक ऑन फ्लिपकार्ट का, तो आपको इस चेक बॉक्स में भी चेक करना है। देन आफ्टर नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको रेडमी के वेरियंट्स दिखा देंगे जो 16GB एंड 32GB में अवेलेबल है, एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो आपको जो भी चाहिए वेरियंट आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 16GB रोम एंड 2GB रैम मैंने सेलेक्ट किया, तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक न्यू विंडो ओपन हुई जो कि उसी वेरिएंट के जो आपने सिलेक्ट किया था। गाइस, यहाँ पे आप अपने ईमेल पुट करके आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली नोटिफिकेशन भी आप गेन कर सकते हैं, कि जैसे ही सेल स्टार्ट होगा उसके आधे घंटे एक घंटे पहले आपको फ्लिपकार्ट एक मेल सेंड कर देगा कि सेल स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये यहाँ पर है, क्योंकि येलो कलर का आपको नोटिफिकेशन बार दिख रहा है, ये उसी कारण है जो हमने प्राइस ट्रैकर हमने इंस्टॉल किया था। तो गाइस, ये प्राइस ट्रैकर हमें क्या फैसिलिटी अवेल करता है, ये हमें अवेल करता है कि दैट यू आर रजिस्टर्ड फॉर द नेक्स्ट सेल जो कि 8 फरवरी को 2008 में होने वाला है। देन गाइस, होगा ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कार्ट में ऐड हो जाएगा, विदाउट कुछ हमें कुछ भी किए हुए डायरेक्टली कार्ड में ऐड हो जाएगा आपका कार्ड। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्राइम रिक्वायरमेंट है कि आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए और आपका जो एड्रेस है वो डिफॉल्ट एड्रेस वहाँ पे अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका डिफॉल्ट एड्रेस भी आपके प्रोसेस करेगा, ये आपको डायरेक्टली कार्ड में ऐड करके देगा, आपका डिफॉल्ट एड्रेस को ये प्रोसेस करेगा, आपको सिर्फ लास्ट में जाके पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है, आप ऑनलाइन पेमेंट किए या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी चूज़ कर सकते हैं, जो भी जिस तरह से आपको सूटेबल है। और तो गाइस, सेल स्टार्ट होने के 10 या 15 मिनट पहले आपको ये सारी मेथड सारा प्रोसेस कंप्लीट करके रख देना है, आपको लॉगिन करके रखना है मस्ट है। देन आपको डिफॉल्ट एड्रेस मोड आपको ऐड करके रखना है, क्योंकि प्राइस ट्रैकर आपके डिफॉल्ट एड्रेस को ही प्रोसेस करेगा। देन आफ्टर आपको पेमेंट मेथड, आपको कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी तरह से पेमेंट मेथड को चूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस येलो नोटिफिकेशन बार का आना, कभी कभी गाइस होता है कि येलो नोटिफिकेशन बार शो नहीं करता है, तो गाइस उसके लिए क्या करना है आपको, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे मोर टूल्स है, टूल्स में जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में जाना है। देन आफ्टर गाइस, यहाँ पे जहाँ पे भी बेस्ट ट्रैकर का एक्सटेंशन आपको दिखाई दिया है, वहाँ पे यहाँ पे चेकबॉक्स है, यहाँ पे इसको चेकबॉक्स को एक बार हटा के फिर से चेक कर देना है। तो गाइस, इससे क्या होगा कि
ये आइकॉन फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, देन आफ्टर ये अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। सो गाइज ये मेथड मैंने लास्ट सेल में भी यूज़ किया था, ये 100% वर्क करता है क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं जिनको ये सेल फोन परचेज करना था बट उनसे नहीं हो पाया क्योंकि वही नेटवर्क का कंडीशन प्रॉब्लम एंड बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया थी इसके कारण नहीं मिल पाता ये सेल फोन क्योंकि किसी का सर्वर स्लो रहता है, किसी का नेट स्लो रहता है, तो उसी कारण प्रोसेस में डिले होता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेल फोन आउट ऑफ द स्टॉक हो गया। तो गाइज अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।